केंद्रीय कैबिनेट मंत्री नितिन गडकरी ने दिल्ली में वैलनेस न्यूरोथेरेपी पुस्तक और यूनिवर्सिटी प्रोस्पेक्ट जारी किए। इस मौके उन्होंने प्रबंधकों ने सम्मानित किया। इस मौके गडकरी ने कहा कि आरोग्य पीठ के वैलनेस न्यूरोथेरेपी के यूनिवर्सिटी कोर्सों लॉन्च करना उन्होंने माण की गल है। इस मौके प्रबंधकों ने गडकरी के समारोह में आने धन्यवाद किया। आज आरोग्य पीठ ने वेलनेस न्यूरोथेरेपी के यूनिवर्सिटी कोर्सेज को लॉन्च किया है। मतलब जैसे BNBS होता है, BMS होता है, BHMS होता है, इसी प्रकार भारत की ये पारंपरिक चिकित्सा न्यूरोथेरेपी अब 4.5 साल के कोर्स के रूप में लोगों को बिना दवा बिना साइड इफेक्ट के ऐसा प्रभावी उपचार करेगी जो मेडिसिन से भी बहुत बार नहीं हो पाता। ऐसा ही अद्भुत विज्ञान है जो भारत का प्राचीन विज्ञान है, जो नाभि और अर्धनारीश्वर के सिद्धांत पर यह विज्ञान है। यह विज्ञान न केवल भारत में अपितु दुनिया के अंदर बहुत उपयोगी साबित होगा, क्योंकि बिना दवा बिना साइड इफेक्ट और बिना मशीन के ये चिकित्सा पद्धति है। और हर जगह क्या चाहिए, दवाई नहीं चाहिए, साइड इफेक्ट नहीं चाहिए, मशीन नहीं चाहिए। तो जल पर थल पर नव में सब जगह पर इसका शिक्षित व्यक्ति जो इससे सीख रहा है वो सब जगह इलाज करेगा। सोचिए अगर वो इलाज करेगा और लोग ठीक होंगे। अगर घुटने का दर्द ऑपरेशन कराने के लिए 3 से 6 लाख रुपए खर्च होता है और कोई थेरेपिस्ट बिना मेडिसिन के और बिना रिप्लेसमेंट के ठीक कर दे तो कितना मांगेगा, लोग उतना देने के लिए तैयार हो जाएंगे और वो भी नेचुरल होगा। कार्यक्रम बहुत अद्भुत रहा, क्योंकि इसके अंदर इस कार्यक्रम में माननीय नितिन गडकरी जी आए जो इससे खुद लाभार्थी हैं और उन्होंने इस विज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए मुझे प्रेरित किया। माननीय भैया जी जोशी जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बड़े अधिकारी हैं वो भी आए, क्योंकि वो खुद लाभार्थी भी हैं और इस विज्ञान को सारे देश में सारी दुनिया में फैले इसके लिए वो समय समय पर सरकार को और बाकी जगहों पर भी प्रेरणा देते रहते हैं। माननीय लोकेश मुनि जी आए, जैन आचार्य, आज कौन नहीं जानता उनको, है ना। वो खुद भी उन्होंने लाभ लिया है और लाभ लेने के बाद इस विज्ञान के इतने एडमायरर हैं कि कहीं भी कोई बड़ा प्रोग्राम होता है तुरंत मुझे बुलाते हैं, कहते रामगोपाल जी यहाँ न्यूरोथेरेपी की बात करो।